जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। जाने का समय होता है, आने का कोई समय नहीं होता है। बहुत सारे चैलेंजेस हैं, हर प्रोफेशन में हैं, लेकिन फौज में बहुत ज़्यादा है। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को हमारे 72वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि हमारे देश का तिरंगा ऐसे ही हमेशा लहराता रहे और हमारा देश ऐसे ही तरक्की करता रहे। दोस्तों, आप लोगों ने हमेशा हमारी शॉर्ट फिल्म्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, हमारे काम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, और आप लोगों के सपोर्ट की बदौलत ही आज हम लोग एक नए सफ़र की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस सफ़र का नाम है भारत के वीर, और इस सफ़र में हम हमारे देश के कुछ फौजियों से मिलेंगे और उनके साथ पूरा दिन बिताएंगे और जानेंगे कि एक फौजी की जीवन शैली क्या रहती है, एक फौजी के लाइफ का स्ट्रगल क्या होता है। और आशा करते हैं कि हम जितना हो सकता है आपको फौजियों के साथ जोड़ सके और आप लोगों को मोटिवेट कर सके, और हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग हमें इस सफर में भी पूरा सहयोग करोगे। आज 26 जनवरी 2021 हमारे 72वें गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर हमारे साथ मौजूद है इंडियन एयरफोर्स को 20 साल सर्व कर चुके रिटायर्ड सर्जन अंकेश भाटी जी। सर, बचपन से आपके घर का एनवायरनमेंट कैसा रहा था? बचपन में हम दो भाई एक बहन अपनी फैमिली में थे, और पापा पत्रकार थे। बचपन से ही हमें बहुत शौक होता था, 26 जनवरी 15 अगस्त वो हमारे लिए फेस्टिवल की तरह होते थे, और घर में ही जय हिंद बोलना, वंदे मातरम कहना, जब भी 26 जनवरी होती थी तो प्रभात फेरी निकलती थी उसमें जाना। तो बचपन से ही ये था, जो महापुरुष हुए हैं जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है उसके प्रति एक विशेष आकर्षण था, क्योंकि घर का माहौल एक राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत था। कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड सबकॉन्शियस में फौज के प्रति बहुत ज़्यादा सम्मान होना, उस वर्दी के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव होना, वो ऑटोमेटिकली ही डेवलप होता चला गया। घर का माहौल बहुत अच्छा था, पिता की जो रुचि थी वो सामाजिक कार्यों में थी, तो धीरे धीरे उसका प्रभाव पड़ते पड़ते कहीं ना कहीं वो एडअप होता चला गया, और फिर तो कुछ नियति होती है, कुछ प्रयास होते हैं तो आदमी आगे बढ़ता चला जाता है। और आपको घर से सपोर्ट किस तरीके से था कि आपको फौज में ही जाना, ये आपका बचपन से सपना था या फिर बाद में बड़े होकर आपके ऊपर कुछ? बचपन का स्वप्न तो था ही कि, लेकिन इस फॉर्म में नहीं था कि भारतीय वायुसेना में जाना है या सेना में जाना है। देश की सेवा करने का एक जज्बा था जो कि महसूस होता था कि वर्दी में रहकर वो अच्छे तरीके से डायरेक्ट रूप में किया जा सकता है। देश की सेवा तो हम लोग सभी कर रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से कर रहे हैं। आप इस वीडियो को बनाकर लोगों को मोटिवेट करने के लिए उससे भी कर रहे हैं, हम कभी कचरे के डब्बे में अगर कोई एक टॉफ़ी का रैपर भी डाल देते हैं वो भी एक प्रकार की देश की समाज की सेवा है। तो जज्बा ये था कि हाँ, किसी तरीके से इस डायरेक्ट फॉर्म को लिया जाए, यूनिफॉर्म जिसे कह सकते हो, आपकी यूनिफॉर्म पहनने का एक वो जज्बा था। फिर एग्ज़ाम दिए और भाग्य ने भी साथ दिया, मेहनत भी रंग लाई, और हम सौभाग्यशाली महसूस करते हैं कि देश की वर्दी पहनने का मौका मिला और भारतीय वायुसेना में जाने का मौका मिला, 20 साल वहाँ पर सर्व करने का मौका मिला। तो आपकी बचपन से हॉबीज़ क्या रही थी, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। बचपन से ही क्रिकेट के प्रति विशेष लगाव रहा। 1983 में जब कपिल देव के नेतृत्व में हमने वर्ल्ड कप जीता तो क्रिकेट एक खेल ना होकर धर्म बन गया। फिर उसके बाद सचिन तेंदुलकर का आ जाना, तो हमारी जनरेशन को क्रिकेट के अलावा कुछ सूझता ही नहीं था, तो क्रिकेट में बचपन से ही विशेष अभिरुचि रही। और
हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट मेरठ मंडल अंडर 19 अंडर 16 अपने विद्यालय को समय समय पर रिप्रेजेंट करने का मेरे को मौका मिला। मैं बाएं हाथ का गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों हुआ करता था, तो क्रिकेट रहा। दूसरा संगीत के प्रति भी बचपन से ही था, गाना गाने का बड़ा शौक था, तो ये गाना गाना और क्रिकेट ये दो मेरी अभिरुचियाँ रहीं और अभी तक हैं। इनके बिना मैं जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। तो गाना तो थोड़ा सा हो ही जाना चाहिए। दो लाइनें सुना देते हैं। बिल्कुल। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई तारों की भाषा भारत ने, दुनिया को पहले सिखलाई। देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। जय हिंद। जय हिंद। बहुत ही खूबसूरत है, मेरा फेवरेट है। अच्छा जी, ये हम सभी का फेवरेट है, हम सबका फेवरेट है। अभी भारत की बात आती है तो ऐसा लगता है खून रवानी मारने लगता है। फौज का सफर कैसा रहा आपका? फौज में 1997 में मैंने 96 में 12th पास की, 97 में मैंने एक एग्ज़ाम दिया जो कि टेक्निकल ट्रेड के लिए होता है, और उसमें एग्ज़ाम देने के बाद ऑल इंडिया लिस्ट बनी, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ और कॉल लेटर आ गया। 98 दिसंबर में बेंगलोर में E&ITI एक जगह है, एक यूनिट है E&ITI जलाली में जो है, वहाँ पर इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट जो एक ट्रेड्स होते हैं एयरफोर्स के, उनकी ट्रेनिंग होती है, तो मेरी ट्रेनिंग वहीं हुई। पहले 16 महीने की ट्रेनिंग हुई, उसके बाद हमें हमारी यूनिट भेज दिया गया, उसके बाद दोबारा बुला के हम एक स्पेशल ट्रेनिंग कराई जाती है, 9 महीने की ट्रेनिंग दोबारा कराई गई। तो टोटल आप मान सकते हैं 25 महीने जो फ़ौज ने हमें, पहले 16 महीने सिविलियन से फ़ौजी में तब्दील किया, फिर उसके बाद स्पेशलाइजेशन कराया 9 महीने का, क्योंकि हम टेक्निकल ट्रेड्स के लोग हैं इसलिए उसमें ज़्यादा स्किल चाहिए होती है, ज़्यादा फोकस चाहिए होता है। आप एक छोटा सा वाहन होता है, स्कूटी होती है, कार होती है, वो रोड पे चलती है, उसमें रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो हवाई जहाज़ जो कि हवा में उड़ता है, उसके तो एक पेच में भी, एक सूत भर का भी आप रिस्क नहीं ले सकते हैं। इसीलिए एयरफोर्स जो है बहुत ही प्रोफेशनल लोगों की फ़ोर्स है, और उनकी ट्रेनिंग का स्टैंडर्ड भी वही है और उनके परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड भी वही है। ट्रेनिंग आपने कहाँ से करी? ट्रेनिंग बेंगलोर में, जैसे मैंने बताया आपको, बेंगलोर E&ITI यूनिट है, वहाँ से ट्रेनिंग की। उसके पश्चात बहुत जगहों पर जाने का मौका मिला, अपने हिंदुस्तान को देखने का मौका मिला। सबसे बड़ी बात है फ़ौज की जो देन रही, उसने मुझे तमिल और तेलुगु, मलयाली और तमिल, ये जैसे हम नॉर्थ इंडियंस का विशेष वो रहता था कि हमारे लिए सारे साउथ इंडियन मद्रासी होते हैं, तो फ़ौज ने हमें सिखा दिया कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ कौन होते हैं, अलग अलग कौन होते हैं। बिहार के भी बहुत सारे सेक्ट्स को समझाया, तो अपने देश को बेहतर जानने का मौका मिला फ़ौज के थ्रू। अगर मैं अपनी पोस्टिंग्स की बात करूँ तो गुजरात में जामनगर, राजस्थान में जोधपुर, तमिलनाडु में तंजावुर एक जगह है जिसे पहले तंजौर बोलते थे, वहाँ पर पोस्टिंग हुई। दिल्ली में रहने का मौका मिला, यूपी में गोरखपुर में रहने का मौका मिला, और इसके अलावा बहुत सारी जगहों पर जाने का, कभी 10 दिन के लिए, कभी 15 दिन के लिए, असंख्य जगहों पर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भारत माता की मिट्टी को डिफरेंट डिफरेंट जगह पर जाकर चूमने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
ये केवल भारतीय वायुसेना या फौज की वजह से ही संभव हो पाया। और हमें भी आज सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमें आपके साथ वक्त बिताने का मौका नहीं मिल रहा है। ये तो मेरा सौभाग्य है। अगर आपके माध्यम से कुछ हमारे युवा साथी, युवा पीढ़ी के लोग फौज की ओर रुख करते हैं, क्योंकि फौज को खाली संख्या बल नहीं चाहिए, उन्हें क्वालिटी चाहिए। अगर क्वालिटी हमारी फौज में जाएगी तो हमारी फौज का स्टैंडर्ड अच्छा बना रहेगा, जो कि सर्वोच्च है। इसलिए आपका भी यही प्रयास है, और जब आपसे मैं मिला तो मेरा भी यही मन हुआ कि नहीं, इस दिशा में आगे बढ़ा जाए और सहयोग किया जाए। तो धन्यवाद आपका है। हमारी जानकारी के अनुसार आपका जो फैमिली बैकग्राउंड था जी, वो काफ़ी अच्छा रहा था स्टार्टिंग से ही, और उस समय पे आप बहुत ही अच्छे लेवल पे क्रिकेट भी खेल रहे थे। तो क्रिकेट को छोड़ के आपने फौज को क्यों चुना, इसके पीछे कोई विशेष कारण? ये बात आपकी ठीक है कि उस वक्त मैं दिल्ली में रहकर अच्छे लेवल की क्रिकेट खेल रहा था, और संभवतः अगर खेलता रहता तो शायद और आगे भी अच्छे चांसेस बन जाते। हमारे साथ खेलने वाले में उस समय आकाश चोपड़ा और हमारी टीम में रहते थे, आशीष नेहरा हमारी टीम में थे। तो हमारा क्लब सोनेट क्लब काफ़ी जाना पहचाना क्लब है दिल्ली का, उसमें मौका मिला था। हमारे गुरुदेव जो तारिक सिन्हा जी थे, उन्होंने मौका दिया था। लेकिन जब बात आती है, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि बचपन से ही माहौल था घर में, 26 जनवरी 15 अगस्त दिन नहीं होते थे, वो एक त्यौहार होते थे, और वर्दी के प्रति एक विशेष आकर्षण था। पिता के साथ मेरा बहुत स्नेह रहा, उनका एक स्वप्न था कि हमारे घर से कोई व्यक्ति जाए देश की सेवा करे डायरेक्ट रूप में। सामाजिक काफ़ी थे, समाज सेवा जितनी उनसे हो पाती थी उन्होंने अपनी तरफ से बहुत की। उनका एक सपना पूरा करने के लिए मुझे ऐसा महसूस हुआ कि एक मौका मिला है, मैंने उस एग्ज़ाम को दे दिया। 17-18 साल के बच्चों को इतनी समझ नहीं होती है, फॉर्म भर दिया, पास भी हो गए, क्लियर भी हो गया, लेकिन उस कॉल लेटर को आने में बीच में 1-1.5 साल का गैप हो गया। जो वेटिंग पीरियड था उस दौरान क्रिकेट में बहुत अच्छे आगे बढ़ गए, लेकिन जब वो कॉल लेटर आया तो फिर कुछ नहीं सोचा, ये सोचा कि अपने पिता के स्वप्न को जीना है। अपने आप से एक वादा किया हुआ था, उसको पूरा किया, अपने गोल्डन 20 ईयर्स दिए फौज को। और क्योंकि पिता चले गए 2015 में, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, अब मेरे घर में ज़रूरत है, तो वापस आकर अब मैं अपनी माता श्री के साथ हूँ और अपनी फैमिली को समय दे रहा हूँ, अपने मित्रों को समय दे रहा हूँ, अपने बड़े भाई को समय दे रहा हूँ। अब जो हमारे यंगस्टर्स जो भी हैं, जो फौज में आना चाहते हैं, जो फौज को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ चुनौती जो आप बताना चाहें जिनके लिए वो पहले से अपने आप को तैयार कर सकें। देखिए, जहाँ एक और फौज में जाना बहुत गौरव का विषय है, अपने देश की, अपने मिट्टी की, भारत माता की सेवा कर पाना बहुत ही गौरव का विषय है, बहुत ही प्राइड वाली बात है। लेकिन साथ में इस पैकेज है, ये एक पैकेज है कि उस प्राइड को लेने के लिए आपको एक तपस्या करनी पड़ती है, कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी बार आपको बहुत सारे चीज़ों का त्याग करना पड़ता है, अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ता है, कई बार कई कई महीने निकल जाते हैं, आप अपनी फैमिली से संपर्क नहीं कर पाते हैं, अपने बच्चों को नहीं, कई बार बच्चों को बड़ा होते हुए भी नहीं देख पाते हैं, जाने का समय होता है, आने का कोई समय नहीं होता है। बहुत सारे चैलेंजेस हैं, हर प्रोफेशन में हैं, लेकिन फौज में बहुत ज़्यादा है, जान का खतरा है। तो अगर आपको देश की सेवा करनी है तो ये सब बातें बहुत छोटी हो जाती हैं। लेकिन दो चार चीज़ें जो मैं कहना चाहूँगा वो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। एक तो सबसे बड़ी बात है, जो मित्र आपकी प्रेरणा होते हैं, सपोज़ आप 18 साल के बच्चे हैं, युवा हैं, तो जो मित्र आपकी प्रेरणा होते हैं उनसे आपको दूर रहना पड़ेगा, बहुत सालों तक रहना पड़ेगा। कम से कम 15-20 साल अगर आप छोटा करियर रखते हैं तो आपको उनसे दूर रहना पड़ेगा, और एक वैक्यूम बन जाता है। फौज में 2-3 साल के लिए एक जगह रहते हैं, पोस्टिंग होती रहती है, ट्रांसफ़र्स होते रहते हैं, तो आपके स्थायी मित्र नहीं बन पाते हैं। आपके स्थायी मित्र सिविल में रह जाते हैं, उनसे आप दूर हो जाते हैं। तो जब आप रिटायर होकर वापस आते हैं तो ना तो आपके वहाँ के मित्र होते हैं और ना यहाँ के मित्र रह पाते हैं। तो कभी कभी एकाकीपन लगता है, क्योंकि उन मित्रों का अपना एक सर्किल बन गया है। तो इसमें कोई शिकायत नहीं है, ये तो हमारा अपना फ़ैसला था, माता भारती की सेवा करना, वर्दी को पहनना,
तो उसकी एक कीमत तो चुकानी पड़ेगी आपको। तो यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर आप मानेंगे, सब कुछ माइंड में है, अगर आप मानेंगे तो बहुत बड़ी चुनौती है, नहीं मानेंगे उसको अच्छे तरीके से सही भाव से लेंगे तो ये भी एक चैलेंज है। फौज में कोई भी चैलेंज जो होता है उसको एक्सेप्ट किया जाता है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है फौज में, समस्या कोई नहीं है, चुनौती है, चुनौती का सामना करके उसको सुलझा लेना। और जो चुनौती का सामना करता है वही फौजी है, जो चुनौती का सामना करे वही एक फौजी है। और हमेशा नेवर से नो वाले जो एटीट्यूड है वो तो रहना ही चाहिए। मेरी ओर से, मैं, आपने पूछा भी नहीं है फिर भी कहना चाहता हूँ कि हमें थोड़ी सी जिम्मेदारी परिवारों को लेनी चाहिए, अपने घर में ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि फौजियों को सम्मान की दृष्टि से देखें, फौजियों का सम्मान करें। क्योंकि फौजी जब वहाँ पे लड़ रहा होता है तो वो इस भाव से नहीं लड़ रहा होता है कि उसको 30-35 हज़ार रुपये की एक तनख्वाह मिलनी है, उस पैसे से उस काम को नहीं कराया जा सकता है जो कि एक फौजी कर जाता है, वो जज्बे से ही उस काम को कर सकता है। उस जज्बे को सलाम करना चाहिए, फौजियों का सम्मान करना चाहिए और प्रेरित करना चाहिए कि हमारे घर में से कोई ना कोई इस भागीदारी को निभाए, क्योंकि ये हमारा देश है, इसकी सीमाओं की रक्षा करना हमारा ही तो कर्तव्य है, हमारे ही बच्चे करेंगे तो अच्छे से करेंगे। हम अमेरिका की तरह नहीं कर सकते हैं कि जो किराए पर सैनिक मंगा लेता है, ये हमारी परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ तो परंपरा है कि हर परिवार से एक व्यक्ति फौज में जाए, जो कि अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है क्योंकि नंबर ऑफ जो चिल्ड्रन हैं वो कम हो रहे हैं। तो जहाँ पर भी संभव हो सके हमें एक घर में एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि हमारे बच्चे फौज की प्रति प्रवृत्त हों और फौज को ज्वाइन करने की लालसा रखें। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी सेना में त्यौहार किस तरीके से मनाए जाते हैं। देखिए, सेना के जो त्यौहार होते हैं वो एक विशेष धर्म को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, तो पूरे भारतवर्ष को रिप्रेजेंट कर देते हैं। उसके अंदर आप टच देखेंगे दिवाली में, हर जगह की कैसी दिवाली मनाई जाती है उसका मिक्सचर हम देखते हैं, फौज में देखते हैं। बहुत ही उल्लासपूर्ण माहौल होता है, हम लोग सब एक जगह में इकट्ठे होते हैं, ये एक दूसरे के प्रति जुड़ाव को बढ़ाता है, लगाव को बढ़ाता है। और कास्ट और क्रीड से ऊपर, जाति से ऊपर उठकर अगर किसी त्यौहार को देखना है तो फौज से अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, सारे बैरियर तोड़ देते हैं। इसी तरीके से होली, इतना उल्लास, मतलब हर जगह होता है, सिविल में भी होते हैं त्यौहार, लेकिन जितना उल्लास और जितना निस्वार्थ भाव से खुलकर जो मिलना होता है वो होली अगर देखें तो आप फौज में होती है। और इनके आयोजन किए जाते हैं सामूहिक रूप से, फौज की तरफ से भी पूरी यूनिट जो होती है एक ही जगह इकट्ठी होती है, सब कई बार फैमिलीज़ भी साथ में आ जाती हैं, तो बहुत ही उल्लासपूर्ण माहौल में त्यौहार होते हैं। सर, हमारी भारतीय वायुसेना को 20 साल आप सर्व कर चुके हैं, तो अब 2018 में आपका रिटायरमेंट हो चुका है जी, तो अब आपका जीवन कैसा कट रहा है? देखिए, रिटायर होने के समय, जब आप रिटायर हो रहे थे तो आप एक टारगेट बना के चलते हैं, रिटायर होने से पहले ही आपको लगने लगता है कि अब क्या करूँगा आगे। तो मैंने दो चीज़ें सोची थी, एक तो अपनी फैमिली को समय दूंगा, दूसरा समाज के लिए कुछ करूँगा। तो इस दिशा में मैंने सोचा तो ये पाया कि क्रिकेट और म्यूज़िक दो ऐसी चीज़ें हैं जिनसे मेरे को आत्मिक शांति मिलती है। और इस दिशा में मैंने एयरफोर्स में भी क्रिकेट खेला, समय समय पर, उतना नहीं खेल पाए क्योंकि अपनी ड्यूटीज़ पहले होती थी। अब मैंने ये बीड़ा उठाया है कि हरिद्वार के छोटे बच्चों को क्रिकेट सिखाई जाए, उसके लिए हमने एक अकेडमी खोली है, मैक क्रिकेट अकेडमी, जो कि तरुण हिमालय मंदिर है शिवलोक कॉलोनी में, वहाँ पर चलाता हूँ मैं, शाम को वहाँ समय देता हूँ अपने बच्चों के साथ। आपका स्वागत है, किसी दिन आइए वहाँ पर। दूसरा, मैं, हमारा पुश्तैनी जो कार्य है प्रिंटिंग प्रेस का, वो मैं अपने बड़े भैया के साथ मिलकर उसको भी देख रहा हूँ। तो फ़िलहाल तो यही है, और समाज के लिए कुछ ना कुछ करने का जज्बा है, आप जैसे अच्छे लोग मिलते रहेंगे तो कुछ मिलजुल के समाज के लिए करते रहेंगे। बिल्कुल जी, बहुत ही अच्छा लगा आज आपके साथ जुड़कर और आपकी बातें सुनकर, और हम आशा करते हैं कि आपसे बहुत सारे लोग आज मोटिवेट हुए होंगे और वो एक बीड़ा उठाएंगे देश की सेवा करने का। और हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं आपके जीवन के लिए आगे, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, आपने मेरे को बुलाया, थैंक यू सर। आज हमारे सफ़र में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सफ़र पसंद आया होगा और आप लोग हमें आगे भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं इस सफ़र में।
अगर आप लोगों को आज का ये सफर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और जितना हो सके इसको शेयर भी कर देना। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।